अजय जी, यहाँ पे हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन के दिसंबर वायदे में कल के कारोबारी सत्र में हमने 6,900 के ऊपर के भी लेवल्स टेस्ट होते हुए देखे थे। आज हालांकि देख रहे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आई है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। दिसंबर वायदा 6,749 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 6,875 का हाई लगा चुका है। आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या यहाँ से सोयाबीन में जो करेक्शन है वो और ज्यादा गहराएगी या फिर यहाँ से सोयाबीन एक बार फिर से तेजी पकड़ेगा? उम्मीद थी कि अराइवल प्रेशर बढ़ेगा नवंबर में, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जिस दिन से पॉलिट्री इंडस्ट्री की डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, सप्लाई कंसर्न्स बढ़ा हुआ है, ग्लोबल मार्केट में तेल के भाव भी तेज है, तो ये सारे फैक्टर सोयाबीन को सपोर्ट ही करता है। इनफैक्ट अभी हमने देखा है कि शॉर्ट स्क्वीज जैसी सिचुएशन बन गई थी, जिसके चलते हमने एकाएक 5,700 से करीबन 6,600-6,700 का भाव भी बनते हुए देखा है। आज की जो गिरावट है वो कोरोना को लेकर और मार्जिन हाइक की वजह से है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि अगले 10-12 दिन के अंदर प्राइजेस 7,100 से 7,200 तक के भी लेवल दिखा सकती है। तो इन ऑल ऐसे अगर थोड़ा भी ऐसे पुलबैक आता है 6,600-6,650 तो काफी अच्छा लेवल है सोयाबीन में। मुझे लगता है ये तेजी कंटिन्यू रहेगी जो 7,100 तक का लेवल दिखा सकती है। जी,